प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने 2800 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे और 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। बता दें मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों से मुलाकात की और उन्हें योजनाओं के लाभ बताए। इस दौरान उन्होंने 2800 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं और 1000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी की जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि मोदी न केवल देश की बल्कि विश्व के भी लोकप्रिय नेता हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से ओडिशा में विकास परियोजनाओं की गति को और तेजी मिलेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। वह केवल हमारे देश के ही नहीं बल्कि सारा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। आज उनका शुभ जन्म दिवस भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सारे माताओं और बहनों के तरफ से एवं ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों के तरफ से आपका जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज के दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व से आपके लिए अभिनंदन आ रहा है। आज के दिन इस शुभ अवसर पर आप हमारे बीच उपस्थित हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। हर पल, हर क्षण, हर सच।